तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल आदिल कमालत। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने लूमिस मेथड का यूज़ करके MS धोनी का फेस ड्राइंग बनाया है। मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की है स्मॉल साइज में बनाने की, तो कुछ ऐसा मुझे रिजल्ट देखने को मिला है। तो गाइस, मैं इसमें थोड़े बहुत डिटेल्स करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं थोड़े बहुत डिटेल्स में गाइस कर रहा हूँ। आप लोग भी लूमिस मेथड का यूज़ करके कुछ ऐसा ड्राइंग गाइस आप लोग बना सकते हो। मैंने इसमें लूमिस मेथड का यूज़ किया है, और लूमिस मेथड आप लोग जानते ही है किसको कहा जाता है, जानते होंगे आप लोग। तो इसमें मैंने लूमिस मेथड का यूज़ कैसे किया है, तो आज मैं ये चीज़ बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़े बहुत जो डिटेलिंग्स है वो कर ले रहा हूँ। मैं इसमें शेडिंग कर रहा हूँ गाइस अभी। तो आप लोग लूमिस मेथड का यूज़ कब करोगे और किस टाइम, जब आप लोगों को छोटा ड्राइंग बनाने का समय आएगा तब आप लोग गाइस लूमिस मेथड का यूज़ कर सकते हो, तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। तो ऐसे ये MS धोनी का फेस ड्राइंग है, उतना मतलब एक्यूरेट नहीं बना ड्रॉ हुआ है ये ड्राइंग, पर तब भी काफ़ी बढ़िया है। मतलब लूमिस मेथड का यूज़ करके काफ़ी हद तक मैंने जितना हुआ मेरे से मैंने गाइस उतना तक उतना रियलिस्टिक तक रिजल्ट मतलब उतना मैंने एक्यूरेट बनाने का कोशिश किया है। तो लूमिस मेथड का यूज़ करके गाइस आप लोग भी जितना हो सकता है उतना आप लोग भी एक्यूरेट बनाने का कोशिश करना, और लूमिस मेथड आप लोगों को काफ़ी इजी बना देता है। लूमिस मेथड में आप लोगों को बस एक सर्कल बनाना पड़ता है। सर्कल बनाने के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ता है, कोई भी जो डायरेक्शन होता है माउथ का, जो भी डायरेक्शन होता है माउथ का हेयर का, तो आप लोगों को उसी डायरेक्शन में गाइस ड्रॉ करना पड़ता है। लूमिस मेथड का यही यूज़ होता है। सो गाइस, लूमिस मेथड में मैंने इन्हीं सब टेक्निक्स का यूज़ किया है, कुछ मैंने इतनी ही टेक्निक का यूज़ किया है। तो गाइस मैं थोड़े बहुत डिटेल्स कर ले रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे करके थोड़े बहुत गाइस डिटेल्स कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर डिटेल्स थोड़े बहुत गाइस कर ले रहा हूँ, और आप लोग भी ऐसे करके कर लेना डिटेल। और एक बात और गाइस, आप लोग जब लूमिस मेथड का जब यूज़ करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात ध्यान में रख के करना है, जब आप लोग सर्कल कोई भी लूमिस मेथड में सबसे पहले सर्कल गाइस बनाया जाता है, जब आप लोग सर्कल बनाओगे तो आप लोगों को एक बात ध्यान में रख के लूमिस मेथड का यूज़ करना है कि सर्कल ज़्यादा डार्क ना हो। मैं यहाँ पर गाइस 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग नॉर्मल पेंसिल का भी लूमिस मेथड में गाइस यूज़ कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर मैं बीएड बना रहा हूँ, आप लोग एडिटिंग टूल का यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर फास्टली बीएड बना रहा हूँ, तो लूमिस मेथड में गाइस अब मैं गाइस यहाँ पर हेयर ड्रॉ करूँगा, हेयर का डायरेक्शन किधर है। तो गाइस हेयर का डायरेक्शन इधर मैं अपने मन से बना रहा हूँ हेयर, आप लोग भी कैसे करके भी हेयर गाइस बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं गाइस बना रहा हूँ, आप लोग मैं गाइस बिन रेफरेंस का ये जो ड्रॉ मैं कर रहा हूँ ये बिना रेफरेंस का है, इसीलिए मुझे याद नहीं है। मैंने आउटलाइन तो रेफरेंस को देख के किया था, पर मुझे याद नहीं है कि किस डायरेक्शन में हेयर था, तो मैं अपने मन से किसी भी डायरेक्शन में गाइस हेयर कर दिया हूँ। तो आप लोग ऐसे करके कोई भी लूमिस मेथड का गाइस आप लोग यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो मैंने लूमिस मेथड का इसमें यूज़ किया, तो काफ़ी हद तक मैच कर रहा